हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं गौरी छुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है फरारी हांडवे की, जो कि चुटकियों में फटाफट से जल्दी से तैयार हो जाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम फरारी हांडवा भी बना सकते हैं। देखा जाए तो हांडवा जो होता है वो गुजराती डिश होती है, जो यूजुअली गुजरात में बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप्स की दालें यूज होती हैं। मगर क्योंकि ये हम बनाने जा रहे हैं फरारी हांडवा, मुरैयो जो कि हो गया सेमोराइज, हो गया साबूदाना एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स भी हम यूज़ करेंगे। सो आइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं फरारी हांडवा। मगर फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से ये रेड कलर का बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो आधा कप जितना मैंने सेमोराइज ले लिया है, जिसे मुरैयो भी बोला जाता है या बगर भी कहा जाता है। 1/4 कप मैंने साबूदाना ले लिया है और ये आधा कप मैंने सींगदाना, जिसे अब सब आपको मूंगफली को अच्छे से सेक लेना है जब तक कि इसका जो कवर है थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट नहीं हो जाता और इसकी स्किन ईजिली पील ऑफ नहीं हो जाए। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको सेक लिया है। सो एज दोस्तों हमारी मूंगफली अच्छे से सिक चुकी है, चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं इसे बाहर। सो दोस्तों एज हमारी कढ़ाई गरम है, तो ये हमने सेमोराइज लिया था और यहाँ पे ये जो हमारा हो गया साबूदाना, इसको भी आपने अच्छे से सेक लेना है। और देखिए मैं इस तरीके से टच करके देख रही हूँ, मींस आपका जो सेमोराइज है वो काफी अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। अच्छे से गर्म होगा तो मींस क्रिस्प हो जाएगा ठंडा होने पे। ये देखिए यहाँ पे साबूदाना मेरा ठंडा हो चुका है और जो मेरा सेमोराइज है वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। और ये देखिए इसकी मैंने स्किन भी पील ऑफ कर ली है, जो हमारे सींगदाने हैं। फटाफट से ग्राइंडर जार में मैंने ये सींगदाना डाल दिया है। चलिए दोस्तों अब कर लेते हैं इसे फर्स्ट ग्राइंड। ये ग्राइंड होने के बाद, सिंगदाना ग्राइंड होने के बाद, ये जो हमारा सेमोराइज है और जो साबूदाना है उसे भी आपने अच्छे पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मींस ग्राइंड कर लेना है। सेकने का रीज़न यही था कि वो इजीली ग्राइंड हो जाता है। ये देखिए क्रिस्प हो चुका था तो इजीली ग्राइंड भी हो गया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए एक जार में पहले ये पाउडर हमारा जो सेमोराइज और साबूदाने का वो मैंने निकाल लिया है और सिंगदाने का भी पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। चलिए जी अब कर लेते हैं फटाफट से मिक्स इसे। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने 2 मीडियम साइज पोटैटोज ले लिए हैं, मींस आलू हो गया। अब ये देखिए स्किन पील ऑफ करने के बाद हम इसे फटाफट से कद्दूकस कर लेते हैं। दोस्तों चाहे तो आप यहाँ पे जो आलू है वो बॉईल करे हुए भी आलू इसमें डाल सकते हैं, मगर बॉईल करे हुए जो आलू है मैं ट्राई कर चुकी हूँ, उनका इतना क्रिस्पी टेस्ट नहीं आता है, मींस जो आपका हांडवा होगा वो काफ़ी क्रिस्पी नहीं बनेगा। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप जो आलू डालें वो जो हो कच्चा ही डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका जो हांडवा होगा वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। एज दोस्तों आपने देख लिया होगा वीडियो में कि मैंने यहाँ पे अदरक भी डाल दी है, मिर्ची डाल दी है और थोड़ा खट्टा दही डाल दिया जो कि आधे कप के जितना था। और यहाँ पे मैं कुछ कड़ी पत्ते भी डाल रही हूँ, वो भी आपको तोड़ के डालना है ताकि उसकी जो खुशबू होगी वो बहुत अच्छी आएगी। चलिए दोस्तों अब ऐड कर लेते हैं मसाले। ये हो गया 1/2 टीस्पून जितना सेका हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च मैंने ऐड कर ली है और 3/4 to 1 टीस्पून जितने तिल हो गए और कुछ पानी मैं ऐड कर लेती हूँ। चलिए साहब अब इसे मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं टमाटोज नहीं ऐड कर रही हूँ, मतलब टमाटर हो गया मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज व्रत में हम लोग टमाटर नहीं खाते हैं और धनिया भी नहीं खाते हैं। मगर अगर आप टमाटर और धनिया खाते हैं तो आप चाहें तो टमाटर और धनिया भी ऐड कर सकते हैं। चलिए साहब यहाँ पे अब स्वाद अनुसार आपने ये नमक ऐड कर लेना है, सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ। चलिए साहब अब मिक्स कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे मिक्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, तो पानी चलिए ऐड कर लेना है आपने। चलिए दोस्तों अब आप बात आती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी जो आपको मेंटेन करनी है वो जो हमारा डोसा वाला बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उसी टाइप की आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। पहले आप उसी टाइप का जितना पानी आप ऐड करके रखें, जैसे ही आप इसको अभी रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये पानी सोख लेगा, फिर हम एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पानी ऐड कर लिया है और कंसिस्टेंसी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी लिक्विडी ज़्यादा दिख रही है, मगर घबराने की बात नहीं है, जैसे ही हम 10-20 मिनट्स रखेंगे तो ये पानी सोक इन कर लेगा। चलिए अब इसको कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे 20 मिनट्स आप हो चुके हैं और ये देखिए थोड़ा सा पानी हमारा सेमोराइज और साबूदाना ने सोक इन कर लिया है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर है। ये देखिए कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, मीन्स पानी साहब आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना है, ये बिल्कुल बराबर कंसिस्टेंसी है। तो चलिए आते हैं अब गैस पर हम इसे सेक लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पैन मैंने रख लिया है और ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है घी। एक्चुअली हांडवा जो होता है ना घी में बहुत अच्छा लगता है, सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घी ऐड कर लिया है, घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। चलिए अब सबसे पहले मैंने थोड़े से यहाँ पे तिल स्प्रिंकलर कर दिए हैं। एक्चुअली क्या होता है जब हमारा हांडवा बन के तैयार होगा ना तो उसके लुक्स को
मतलब एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाले हैं ये तिल। चलिए साहब, अब नेक्स्ट हम ऐड करते हैं यहाँ पे ये कड़ी पत्ते हैं, ये थोड़े से मैं कड़ी पत्ते तोड़ के डाल रही हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं हरा धनिया नहीं खाती, मगर आप अगर हरा धनिया खाते हैं थोड़ा सा आप हरा धनिया डाल सकते हैं। सो मैंने हरा धनिया नहीं खाते तो इसलिए कड़ी पत्ते डाले हैं। चलिए दोस्तों, अब 2 to 3 minutes देखिए कवर करके, अब मैंने कवर खोल लिया है 2 to 3 minutes के बाद, और ये देखिए आप देख रहे होंगे अब जो मॉइस्चर लेवल था टॉप, जो हमारा कोटिंग है ऊपर की, उस उधर से मॉइस्चर लेवल जा चुका है। अब इसको यहाँ से ये देखिए स्क्रैच आउट करते हुए आपको फ्लिप कर देना है इसका साइड। मगर अगर आप अभी कॉर्नर्स देख रहे होंगे तो हमारे हल्के से सिक्के नहीं हैं, तो अभी भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा 2 to 3 minutes और सेक लेंगे। चलिए जी, कवर ऑयल डाल दिया है, कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 to 3 minutes मोर हो चुके हैं और आप कॉर्नर साइड्स देख रहे होंगे रेड हो चुका है, मींस नीचे जो हमारा बॉटम लेवल था वो कुक हो चुका है, अच्छे से सिक चुका है। अभी देखिए फ्लिप कर लिया है थोड़ा सा ऑयल डाल के, और अच्छे से आपको जो फ्लेम रखनी है वो हमेशा लो फ्लेम पे ही इसको सेकना है, ताकि क्या होगा, क्योंकि जो आपका हांडवा होता है वो थोड़ा सा मोटा बनता है, तो आपने इसे सिम गैस पर ही सेकना है। काफ़ी अच्छे तरीके से सिक के रेडी होता है, हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसको बिल्कुल नहीं सेकना है। चलिए दोस्तों देखिए 2 to 3 minutes हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं हमारा हांडवा, देखिए अच्छे से काफ़ी अच्छे से सेक चुका है। सो इसी तरीके से लो फ्लेम के पे आपको अच्छे से अपने हांडवे को सेक लेना है। साहब देखिए टोटली आप पे डिपेंडेंट है, आप अपने हांडवे को काफ़ी थिक रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, मगर दोस्तों मैंने यहाँ पे काफ़ी मीडियम लेवल में इसको मतलब बनाया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारा सिक्के तैयार हो चुका है, हमारा ये हांडवा काफ़ी क्रिस्पी रहता है और टेस्ट तो साहब आप पूछिए मत। देखिए कॉर्नर्स मैंने कितनी पतली रखी है, बीच से मीडियम से थोड़ा सा मैंने मोटा सा रखा है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखा रही, मगर थोड़ा सा दिखा रही हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बनाया है वो चीले के फॉर्म में बनाया है, जो कि मैंने काफ़ी पतला किया है। सो आप पे डिपेंड है साहब आपको किस तरीके से पसंद है, आप चाहें तो उसके मोटा हांडवे के जैसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चीले के फॉर्म में भी बना सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ सजेशन, लाइक अगर आपको क्रिस्पी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लाइक क्रिस्पी डोसा हो गया, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा पतला करके डालें तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होगा और टेस्ट तो साफ बहुत ही अमेजिंग रहता है। डू ट्राई इट, ज़रूर से अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो साहब सावन का महीना चल रहा है, बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो ये अमेजिंग सी रेसिपी आप ट्राई करके देखिए, आई एम प्रिटी मच श्योर आपको बहुत रेसिपी पसंद आएगी। दोस्तों इस हांडवे के साथ मैंने मीठी नीम की चटनी रेडी करी है, जिसका मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। मीठी नीम जो चटनी बनाई है उसके इन्ग्रीडियंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिए हैं, आप चाहें तो सब अमेजिंग सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज जैसे कि हो गई साबूदाना बेल, फरारी ढोकला, फरारी अप्पे एंड मैनी अदर व्रत रेसिपीज आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं विजिट करके। चलिए दोस्तों इट्स टाइम टू से बाय बाय नाउ, मिलती हूँ ऐसी ही कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप रहिए स्टे ब्लिसफुल।